सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में आज हम स्केल नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, अच्छे से इसको बनाएंगे। अभी हमने इसकी ये कागज बांट हमने की थी, अब हम इसमें इसको सॉल्व करके पूरा करते हैं। तो इसमें हमने जो फुट्टा यूज किया था वो हमने किया था 1.8 सेंटीमीटर का, और हमारी इसमें लेंथ थी 110, ब्रेड्थ थी 45 और इसकी और हाइट इसकी थी 80 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये रैक है, फाइल रैक है, इसमें हमने सबसे पहले हम जो डार्क लाइन दिख रही है वो मुझे दिख रही है एक ऊपर से 10 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर की डार्क लाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा मुझे लाइनें नहीं लगानी पड़े। तो यहाँ से ये 8 है, 9 और ये 10 है, 10 के बाद हमने 2 सेंटीमीटर नीचे को मोटी लाइन एक फट्टी इसमें है, यहाँ लगा देनी है। आप देख सकते हैं ये मैं इस तरह का कार्य क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे लाइनें बाद में मिटानी ना पड़े। ये 10 के बाद 2 सेंटीमीटर। अभी आप देखेंगे कि इस तरह की लाइन मैंने क्यों ये लगाई है। इस तरह से मैंने लगाई है। अब हमने क्या करना है, इसमें 2 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर को है, 2 यहाँ, तो इसके बीच में यहाँ कई बार लाइन आ जाती है, तो वो हमने नहीं लगानी, इसलिए मैंने पहले ही इस पे 10 के बाद 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी मैं इसमें हम इसमें ये हम 2 ले लेते हैं, ऊपर भी हम इसमें 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर इस तरह से, और इसको हम जो है वो डार्क ऊपर मिला देंगे। इसका कोण सही नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ इस तरह से ये हमारा जो ऊपर का 2 सेंटीमीटर आ गया है, ऊपर जिसमें फट्टी है, ऊपर जहाँ फाइल रख सकते हैं। अब इसमें पाया है, अब हमने यहाँ से 5x5 का पाया बनाना है। अगर हम 5x5 यहाँ मिलाते फिर ऊपर काटते तो हम पूरी लाइन ऊपर लगा सकते, इसके बीच में लाइन नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही ये साइड में कर दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 4x5 ये 5 मिला दिया, यहाँ से नाप दिया और अब 5 हम यहाँ पे नाप देंगे। यहाँ भी हम इस पट्टी से नीचे जो है वो 5 सेंटीमीटर काट देंगे, यहाँ 5 और यहाँ भी हम इसमें 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 सेंटीमीटर है ये लाइन हमारी आएगी डार्क पूरी तरह से इस तरह से, ये आपने विशेष ध्यान रखना है, ये लाइन इस पट्टी में ना ऊपर जाए, ये उसमें नहीं घुसनी चाहिए लाइन, यहाँ से इस तरह से। अब हमने क्या करना है इसमें, अब ये तो आपका पाया आ गया, ये आपका ऊपर का छत आ गया, अब इसमें बीच में फाइल के लिए रैक है बने हुए है और वो नीचे से है 13 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर पहला ही जो हमारा है, तो हम यहाँ से पहले 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आपका है 8 और 4 12 और 1 13 13 के बाद आपका है 2 सेंटीमीटर यहाँ से, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है ऊपर 23 सेंटीमीटर, पहले हम ये 23 सेंटीमीटर लेंगे, वैसे इसमें फटिया और भी आनी, पर पहले मैं आपको सीधा ही करवा देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद 23 है तो ये आपका 24 है, तो एक कम हम यहाँ से कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं ये आपका 23 है और 23 के बाद आपका है
दो, इस तरह से हमारी फट्टी लग जाएगी। अब हमें ऊपर से नीचे को 5 सेंटीमीटर काटना है, ये 4 और 1 5, और जो बीच में आपका होगा वो आपका 23 बच जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 24 है और ये 23, ये देखिए यहाँ बिल्कुल पूरा पूरा बच गया। अब हम इसी तरह से, या तो आप यहाँ से फिर 90 डिग्री पे आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी इसी तरह से नाप लो। तो पहले मैंने नीचे से ही नापा था, तो यहाँ भी मैं नीचे से ही नाप लेता हूँ। ये आपका है 13 सेंटीमीटर है, 13 के बाद आपका यहाँ आएगा 2, 2 के बाद आपका है यहाँ पे 23, तो मैं आपका कर देता हूँ यहाँ पे 23, 23 के बाद है 2, ऊपर से हमने लेना है 5, ये आप देख सकते हैं 5, बीच में आपका बचेगा 23, आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए ये 24, ये 23, और ये आप देखिए पूरा पूरा आपका बचता है। आपके पास पेंसिल इतनी पतली होनी चाहिए कि आपके नाप जो हो गलत ना। अब देखिए ये हमारी जो लाइन आएगी ये डार्क आएगी, अब इसमें और भी फटियाँ लगनी है, हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ इस तरह से एलिवेशन, पर जो हमें बाहर के नाप है अभी पहले हम वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे लगाना है, ये पहला रेक हमारा है ऊपर से नीचे को इस तरह से, और ये जो रेक होगा यहाँ पे इसमें हम डॉटेड भी हमने साथ साथ ही लगा लेता हूँ यहाँ पे, फिर हमारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा, काम बढ़ेगा नहीं हमारा, जल्दी जल्दी हमारा कार्य हो जाएगा। और ये पूरी फट्टी में आएगा इस तरह से आगे, और ये हमारा यहाँ पे है इस तरह से, यहाँ इस 5x5 के खाने में डॉटेड आना है, बीच में ये डार्क आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे फिर ये हमारा डॉटेड आगे आएगा। अब ये आपका 2 है इस तरह से, ये हमने डार्क लगा दिया, आगे हमने इसको डॉटेड लगा देना है इस तरह। अब ये तो आपकी मेन जो 2 फट्टियाँ थी वो आ गई। अब जब आप इसमें फाइल रखोगे इस फट्टी के ऊपर, जैसे आप फाइल आगे खिसकाओगे तो पल्ली सारी गिर जाएगी, क्योंकि पीछे रोकने के लिए कोई स्टेप तो होगा इसमें, नहीं तो आप जैसे ही फाइल रखोगे पीछे को खिसक जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसको रोकने के लिए फट्टी है 5 सेंटीमीटर की, आप साइड में देख सकते हैं, आपको एलिवेशन में सीधी नहीं दिख रही होगी, साइड में 5 सेंटीमीटर की फट्टी है इसमें लगी हुई, तो वो अब लगानी हमने बाद में, नहीं तो फिर हमें घटाना पड़ता। ये 23 था, 23 में से घटा 5 घटाते, फिर यहाँ से 18 काटते, तो उससे बेटर है कि ईजी जो आपका स्टेप रहेगा वो, यही मुझे सबसे ईजी लगा, और मैं ऐसे इसी तरह से क्लास में भी बच्चों को अपने करवाता हूँ। तो यहाँ से 4 और 1 5, 5 यहाँ भी काट दो और 5 यहाँ पे भी आप काट दो। ये आप अगर साइड में देखेंगे तो ये फट्टी लगी हुई है आपकी, तो आपने वहीं से इसको लगाना है, तभी आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे इस तरह से। और ये आपका है 4 और 5 इस तरह से, अपनी फट्टियाँ 2 इसमें जो है ये 5-5 की फट्टी लगेगी यहाँ से, ये आपकी आ रही। ज़्यादा कार्य मेरे हिसाब से एलिवेशन में ही पड़ता है, साइड में और प्लान में ज़्यादा काम हमारा नहीं होता है। अब ये फट्टी मैंने इस तरह से यहाँ लगा दी है, अब हमने क्या करना है, ये डॉटेड भी लगानी है, और यहाँ से ये हाफ तक ही डॉटेड आएगी, पूरी डॉटेड नहीं आएगी, आधे तक ही पीछे डॉटेड आएगी। तो मैं साथ साथ ही ये कार्य भी अपना हल्का कर देता हूँ, निपटा देता हूँ इसको, क्योंकि साइड में भी फट्टी लगी हुई, और यदि ये साइड में फट्टी लगी है तो हमें यहाँ पर इसको एलिवेशन में डॉटेड शो करना पड़ेगा, और आधे से पीछे मैं इसको अभी लगा देता हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा ये कैसे हमारी लगेगी। ये फट्टी है, ये भी हमारी डॉटेड जो है वो लगेगी। अब हमारी एलिवेशन लगभग जो है वो बन के तैयार हो गई है, 70-80% हमारी एलिवेशन बन चुकी है इस तरह से। ये जो आपकी 2 सेंटीमीटर आ रहा है ना, इसी का हमने सहारा लेना है, और इसी के हिसाब से हमने ये देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पे भी ये जो आपका 2 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ मैं फुट्टा रखूँगा और इसी के समानांतर रेखाएँ में नीचे लगा दूंगा इस तरह से, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी रेखा कम रह गई है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये एलिवेशन जो है बन के तैयार हो गया है। इसको मैं डार्क जो बाद में करूँगा, पहले मैं इसमें साइड बना लेता हूँ
अब साइड में भी आपको जो चीज आपको एलिवेशन में डार्क दिख रही है, सेम पोजीशन साइड में ये आपको पूरी इसी तरह से डार्क दिखनी है। सिर्फ ये जो आपकी फट्टी है, ये इसकी पिछली जो फट्टी, यहाँ पे जो फट्टी आएगी ये डॉटेड आएगी, बाकी सारी इसी की यही प्रोजेक्शन है। तो यदि आप यहाँ नापना नहीं चाहते हैं तो आप फुट्टे से भी ले सकते हैं और इससे भी आप सहारा ले सकते हैं। आपके पास जो सेट स्क्वायर है इससे भी आप इसका सहारा ले सकते हैं इस तरह से, और वैसे तो आप फुट्टे से भी ले सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जल्दी स्केल को निपटाने के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने साइड एलिवेशन में लगाया था, यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, दो सेंटीमीटर की ये फट्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें पाए लगाने पहले यहाँ से, और पायों के लिए मुझे यहाँ से नापना पड़ेगा 5-5 सेंटीमीटर, ये आपका 5, ये 5। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास दो तरह की स्केल होती है, एक एंगुलर स्केल होती है, एक पैरेलल स्केल होती है। एंगुलर स्केल जो आपको बाद में आएगी, और जो एंगुलर स्केल बच्चों होती है उसकी हम सबसे पहले साइड बनाते हैं, सिर्फ इतना फर्क है। ये पैरेलल मींस SSY रेखा के साथ बिल्कुल पैरेलल है, ये हमारी जो है पहले एलिवेशन बनती है, और जो आपकी एंगुलर स्केल होती है उसकी सबसे पहले हम जो है वो साइड बनाते हैं, उसके प्रोजेक्शन साइड के जो होते हैं वो तिरछी होती है, एक्चुअल में तिरछी होने के कारण उसके जो हमारे प्रोजेक्शन होते हैं वो हमारे एलिवेशन में जाते हैं। जैसे डेस्क की आपकी स्केल होती है या तिरछा कोई टेबल आपका है उसकी है, तो ये आपकी एंगुलर स्केल नहीं है, पैरेलल स्केल है, इसलिए इस तरह से बनेगी। अब हम यदि चाहें तो यहाँ पे निशान लगा सकते हैं 13, 2, फिर 23 इस तरह से, नहीं तो आप यहाँ से, मैं चलो इजी कर लेता हूँ, फुट्टे से ही ले लेता हूँ, क्योंकि आपके पास इतने बड़ा सेट स्केल नहीं होगा जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो आप यहाँ से देखिए, ये आपने फुट्टा यहाँ हमने लगा दिया है, तो अब यहाँ पे भी आपने जैसे आपने यहाँ किया था इसमें आप डॉटेड लगा लो, यहाँ पे डार्क लाइन लगा दो, यहाँ पे आप फिर डॉटेड लगा दो इस तरह से। अगली लाइन आपकी ये आती है, तो ये आप ऐसे फुट्टा देखिए सीधा बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसे डॉटेड लगा दीजिए, ये आप डार्क लगा लो बीच में, फिर आप यहाँ से ऐसे डॉटेड लगा दो। अब आपने 5 की भी साथ ही लगा देनी, अब तो आपको समझ आ चुका है कि कैसे बन रहा है। अब यहाँ से आपने इसी तरह से यहाँ आप तक डॉटेड लगाना है, और यहाँ आपने इसको डार्क लगा देना है, यहाँ फिर आपने फिर हाफ तक इस तरह से इसमें डॉटेड लगाना है। अब आगे ये आपकी रेखा रही है, आप चाहो तो नाप सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इसी तरह से ही इसकी सीध में रेखाएं लगानी है, आप चाहो तो आप साइड को पूरा नाप लो उसके बाद लगाओ, काम बढ़ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 24 नंबर आपको मिलने हैं इसके, तो आप इसको सफाई से और अच्छी तसल्ली से आप कार्य कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका 5 का प्रोजेक्शन आ जाएगा यहाँ पे। आपको फुट्टा सही रखना है तब आपकी स्केल गलत नहीं होगी, यदि आपका फुट्टा सही नहीं है तो आपकी स्केल गलत हो सकती है, आपको फुट्टा सही रखना आना चाहिए। यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर का है इस तरह से, तो अंदर तो ये पूरा डार्क आ जाएगा, यहाँ पे ये डॉटेड रहेगा इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ऊपर हमने इसमें 2 सेंटीमीटर का निशान हमने यहाँ पे लगाना है, जो नाप आपका आएगा वो तो आएगा ही आएगा, उसमें आप बच नहीं सकते हैं, पर फिर भी यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का हमने निशान लगाना है। ये सिर्फ बहुत हल्का लगाना है क्योंकि लाइन नीचे नहीं आनी है, ये हमने लगा दिया है, यहाँ भी मैं 2 सेंटीमीटर का निशान इसमें लगा देता हूँ, बहुत हल्का ये निशान लगेगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में इस तरह से। और हमारा आपका छोटा फुट्टा मेरा है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पीछे ऊपर जो है यहाँ पे डॉटेड आएगा यहाँ तक, फिर ये 5 का आएगा, ये 5 का आएगा, ये 5 का डॉटेड आएगा इस तरह से, ये हमारे 5 के डॉटेड आने हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो है इसमें तो सिर्फ 5 के डॉटेड हमने लगाने हैं, बाकी हमारे पास इसमें कोई काम नहीं है इसका, 2 की फट्टी का इस तरह से, ये डॉटेड आपके आगे इस तरह से, ये आपका जो डार्क आना था डार्क लगा दिया, जो डॉटेड आना था वो डॉटेड लगा दिया, यहाँ आगे से ये खाली है
इसके साथ जो पिछली पट्टी जुड़ी हुई है उसका हमने यहाँ पे डॉटेड ले लिया है इसका, और इस तरह से ही आपका अब साइड भी बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसका क्या बनाना है, प्लान। अब हम इसका प्लान बनाएंगे, तो प्लान बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो आपका ये वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का हमने हाफ कर देना है, इसके ये जो आपके कोण है आमने सामने वाले, ये हमने इसके इस तरह से मिला देने हैं, इस तरह से इसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसी के प्रोजेक्शन लेने हैं, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, इसके हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसके 5 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन ले लेंगे, यहाँ पे इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन आ गया, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन आ गया। अब आप जैसे मैंने आपको अभी मैंने 9th क्लास में के लिए पढ़ाया था, तो अगर आपके पास ये इसी तरह का सेट स्केल, छोटा है बड़ा नहीं है, मेरे पास तो मैं तो बड़ा सेट स्केल ले लेता हूँ, तो दोनों साइड पूरे पेज पर भी आ जाता है, छोटा आपके पास है, आपने क्या करना है, ये देखो ये सेट स्केल यहाँ लगा दो इस लाइन के साथ, इस तरह से ऐसे लगा दो, लगा दिया। अब आपने यहाँ से इसको पूरा, यहाँ से ही इसको हिलाना नहीं है, तब तो आपको यहाँ नापना पड़ेगा, यहाँ भी नापो, यहाँ भी नापो, पूरे से नाप लगाते रहो आप, फिर नहीं सुधार हो सकता। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको लगाना है, और ये देखिए पहले मैंने 2 तक लगाया, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको इधर को खिसका करके यहाँ पे निशान लगाना है, ये 2, 2, 3, 3 मुझे नापने की ज़रूरत नहीं है, इसी के सीध में मैं ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया 5 पे, यहाँ भी क्रॉस कर दिया, यहाँ भी मैं इस पर क्रॉस कर देता हूँ इस तरह से, और ये आपका जो है यहाँ मैंने फुटा लगा दिया है, ये आपका आ गया 2, ये आपका 2 का मैंने यहाँ निशान लगा दिया है इस तरह से, आपका ये आपका 5 का है, यहाँ मैंने निशान लगा दिया है इस तरह से। अब क्या करना है, अगले कोने के लिए हम इसमें फुट्टा लगा सकते हैं, अब इस तरह से ये यहाँ पे फुट्टा लगा लो, यहाँ फुट्टा लगा लो। अब इसमें एक्चुअली होना क्या है, इसमें 5x5 के 4 वर्ग बनने, और 4 वर्ग आपके डॉटेड बने। तो हमने क्या करना है, ये जो 2 वाली रेखा है इसको नहीं अभी लगाना है, हमने क्या करना है इसमें ये लगानी है, ये 5x5 का है, ये आपका है, इसकी हमने यहाँ पे डॉटेड लगा देने हैं इस तरह से हल्के से, क्योंकि अभी आइडिया लगा लो कि यहाँ तक ऊपर वाली लाइन है, तो यहाँ तक इसके डॉटेड लगा दो, यहाँ भी नीचे भी, ये हमने मिला दिया यहाँ पे, ये हमने ये और ये पॉइंट मिलाना है। अब हम यहाँ पे इसका इस तरह से डॉटेड लगा देंगे, यहाँ भी हम अंदर को ऐसे डॉटेड लगा देंगे, ऊपर से जो ये रेखा आपकी आ रही है, ये रेखा आ रही है, इसी के सीध में हम यहाँ पे इसमें ऐसे डॉटेड लगा देंगे, ये देखिए 5x5 का वर्ग यहाँ बन गया, ये ऊपर से पाया आपका 5x5 का है, ये देखिए आप, ये क्योंकि इसमें जो चीज़ बननी है वो ये और ये, इसके और इसके जो नाप है वो सारे आपके प्लान में आने। अब आप अगर ऊपर से देखेंगे अपने स्केल को, तो यहाँ पे इसमें डार्क लाइन है पीछे पूरी 2 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से हम ये 2 सेंटीमीटर आपका है, ये वाली जो आपकी लाइन है वो पीछे तक डार्क है, तो हम यहाँ पे इसको यस पीछे तक डार्क बना देंगे, ये अपनी मर्जी से नहीं है, आप अपनी स्केल को देखिए, यहाँ पे ये देखो आप, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ तक नीचे आपने 2 सेंटीमीटर लगा रखा है, यहाँ भी आपकी रेखा ये देखिए यहाँ तक आपकी डार्क आ जाएगी। और अब ये जो आपका 2 सेंटीमीटर आया है, जो आपने यहाँ पे ये नाप रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, अब इसके बीच में आपने यहाँ से ये लाइन डार्क लगा देंगी इस तरह, और आगे ये रेखा डॉटेड आएगी, क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की रेखा नहीं है, जो ये आपका 5 सेंटीमीटर है या ये आपका 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो वो आपने यहाँ रेखा लगानी है, और वो हमारी जो रेखा आएगी वो डॉटेड आएगी, डार्क नहीं आएगी। इस तरह से हम यहाँ इसको मिला देंगे, और यहाँ पे इसमें, और ये लाइन आपकी जो है वो इस तरह से डॉटेड आ जाएगी, और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये लाइन पाए से अंदर भी नहीं आएगी,
ये सिर्फ पाए तक ही आएगी, यहाँ तक ही आएगी, पाए से अंदर यहाँ मेरी लग गई है, पाए से अंदर भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आपकी फट्टी है ना, ये आपकी फट्टी है तो यहीं तक है, आगे तो है नहीं। पिछली फट्टी ऊपर की जो फट्टी है वो पूरी है, आप स्क्रीन में भी इसको देख लो कहाँ तक है, और अपनी बुक भी खोल के देख सकते हैं। इस तरह से ही आपकी स्केल सही तरीके से जो है वो इस तरह से ही आपकी स्केल बन के तैयार हो गई है। अब इसमें सिर्फ हमारा बचता है फुट्टा, बाकी आपका सारा कार्य हो गया है। और मैं इसमें फुट्टा यहाँ पे वैसे मैंने बना रखा है, आपको बता भी रखा है कैसे बनना है, फिर भी मैं इसमें आपको फुट्टा बना के बता देता हूँ। फुट्टा आपने हर स्केल में बनाना है, और आगे मैं फुट्टा नहीं बनाऊँगा, 16 में मैंने बना रखा था, 17 में भी अभी मैं इसमें बना देता हूँ फुट्टा। आगे जो स्केल आएगी उसमें अब आपने कोशिश करनी है अपने आप फुट्टा बनाएं आप, क्योंकि इसकी तो एक ही मेथड है, इसके कोई अलग से मेथड नहीं है। यहाँ से जैसे मैं यहाँ से एक लाइन लगा देता हूँ ऐसे, यहाँ से चलो ये लाइन में इसके समानांतर रेखा लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये रेखा लगा दी, इसी के समानांतर में यहाँ से ये रेखा लगा देता हूँ, इसी के समानांतर एक रेखा और हमने लगानी है इस तरह से। ऐसे एक्चुअल में सही तरीका क्या है, जो आगे से हमने रेखा लगानी है वो हमारी आनी चाहिए 90 डिग्री में, इस रेखा जो हमने ये रेखा लगाई है, ये जो हमने नीचे रेखा लगाई है, इस रेखा से ये जो आपके सामने वाली रेखा ये आएगी 90 डिग्री में इस तरह से। आगे की रेखाएं हैं ये हम मिटा देते हैं इस तरह से। और जो आपका फुट्टा है 1.8 सेंटीमीटर का जो हमने फुट्टा लगाया था उसके हमने यहाँ पे 8 भाग करने हैं। अब देखिए आपने जैसे यहाँ हमने भाग किए 3 भाग किए, इसी तरह से यहाँ पे आप न्यून कोण बना करके उसके पहले 8 भाग कर सकते हैं, और तब आप जो है ना उसको ए बी रेखा के साथ यहाँ पे निशान लगा दो। जैसे हमने यहाँ निशान लगाना है, ये मैं निशान लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये निशान लगा दिया, और यहाँ से आप न्यून कोण ले लो उसके 8 भाग कर दो। पर इतनी छोटी ना तो हमारे प्रकार खुलती है, क्योंकि mm में खुलनी है और ना है हमारा डिवाइडर से ये सही हो पाता है। आप कोशिश कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं करिए, कोशिश करिए। और मैं तो यहाँ पे सीधे ही ये 8 निशान लगा देता हूँ यहाँ से, ऐसे जल्दी हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह से। और नीचे भी मैं इसमें इस लाइन में 8 निशान लगा दूंगा। फिर हमें क्या करना होता है, यहाँ से न्यून कोण बना दो, उसके 8 भाग करो, उस रेखा में 8 निशान लगा दो, भाग तो नहीं करने, ऐसे यहाँ से न्यून कोण बना दो, फिर उसमें 8 निशान लगा दो, फिर उनको जो है वो यहाँ मिला दो, इस तरह से मिला दो, फिर इनको फिर यहाँ पर निशान लगाने ही पड़ेंगे तब जाके आपका। तो हम सीधे ही मैं निशान ही लगा देता हूँ यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से मैंने 8 निशान लगा दिए हैं। और अब मैं इन 8 निशानों को आपस में मिला देता हूँ इस तरह से, यहाँ से इसको 2, 3 और चौथा है इसमें थोड़ा सा मैं नीचे ले लूँगा, 5, 6, 7 और 8 को मैं पूरा नीचे तक मिला दूँगा इस तरह से। अब हमने आगे भी इसमें इसी तरह से निशान लगाने हैं। ये आपका 8 आ गया, ये आपका आ जाता है 16, यहाँ पे चलो 12 ले लेंगे, ये आपका 24, और ये आपका आ जाता है यहाँ पर 32, यहाँ पे 20 में भी निशान लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं इसमें अगर निशान लगाऊँ तो ये आपका 16, ये तो बीच में लगेगा निशान यहाँ से, ये यहीं तक आनी है रेखा, ये सर ये है ये, और इस तरह से। और ये फुट्टा हमने यहाँ से चलता हुआ दिखाना है ऐसे, यहाँ से ये आपका 8 था, 8, 4, 12, 12 और 4, 16, 16 और 4, 20, 20 और 4, 24, 24 और 4, 28 और 4, 32 इस तरह से हम इसमें नाम इसके लिख देंगे। ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाता है यहाँ पे 16, ये आ जाता है आपका 24, और ये आ जाता है 32, और हम यहाँ पे लिख देंगे इसमें स्केल नंबर 1:8 सेंटीमीटर।
मीटर, इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से ही आपकी स्केल जो है 17 नंबर स्केल बनके तैयार हो गई है। आपने भी इसको इसी तरह से सफाई के साथ इसको बनाना है, इस तरह से आपने इसको बनाना है और अच्छा सा बनाना है। तो मैं इसमें जो आपकी ये रेखाएं थोड़ी फिक्की है, मैं इनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ये अच्छे से दिखेगी। इस तरह से आपने स्केल बनानी है, जितनी भी लाइनें मैंने ड्रॉ की है मैंने सारी अब बिल्कुल डार्क कर दी है। इस तरह से आपने इसमें ये हाइट, ये ब्रेथ, ये आपकी लेंथ, इस तरह से आपने लिखनी है। एलिवेशन, साइड प्लान, प्रोजेक्शन, फुट्टा, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर दिखनी चाहिए, तभी आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से आप अच्छे से स्केल को बनाएं।